हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में SSGD का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की जितनी नीज होती है सभी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी। तो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे साइट देख रहे हैं दोस्तों, ssc.nic.in। फ्रेंड्स, इस साइट पे आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, ठीक है। आप ये साइट जब ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइट में देख रहे हैं लॉगिन, एंड फ्रेंड्स हमारा लॉगिन हमने अब तक किया नहीं है, तो हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। अभी रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं दोस्त, तो गाइस आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, डू हैव ए आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है दोस्तों, तो आप यस पे क्लिक कर दें, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। अगर आपने आधार कार्ड बनना दे रखा है, तो आप अप्लाइड पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आपने आधार कार्ड अप्लाइड होना दे रखा है, ठीक है। तो मेरे पास आधार कार्ड है, तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको अब नीचे यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भरना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर भर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आधार कार्ड का, ठीक है। एंड देखिए दोस्तों, भर रहा हूँ अभी यहाँ पे दोस्तों, नीचे देख रहे हैं वेरीफाई आधार कार्ड, आपको ये नंबर दोबारा से फिलअप करना है। फ्रेंड्स, इतना फिलअप करने हैं, नीचे आप देख रहे हो ऑप्शन आधार इनरोलमेंट नंबर। फ्रेंड्स, ये उनके लिए है जिन्होंने आधार कार्ड अप्लाइड होना दे रखा है, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर उनके लिए दोस्तों, ठीक है। ये ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए, टाइप ऑफ आईडी को भी आप छोड़ दीजिएगा। एंड आप नीचे आ जाइए सीधा नेम पे, ठीक है। आप यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है। फिर नाम फिलअप करने के बाद आप देख रहे हैं वेरीफाई नेम, आपको नाम दोबारा से फिलअप करना है यहाँ पे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नीचे ऑप्शन यू हैव ए चेंज नेम। अगर आपने आधार कार्ड में अपने नाम चेंज करवाया था आपने, तो आप यस पे क्लिक करते हैं, अदरवाइज आप नो पे ही रहने दें, ठीक है। मैं यहाँ पे नो पे रहने देता हूँ। फ्रेंड्स, नीचे देखिए फादर नेम, यहाँ पे आपको अपना फादर नेम डालना है, वेरीफाई करना है इस नाम के लिए दोबारा से। फ्रेंड, नीचे देखिए आप मदर नेम, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम डाल देना है नीचे भी एक बार। और दोस्तों, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। देखिए दोस्तों, अभी कर रहा हूँ मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फ्रेंड, इतना करने के बाद नीचे देख रहे हैं वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, आपको दोबारा से डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलअप कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर दिया है, ठीक है। आप नीचे देख रहे हैं एजुकेशन बोर्ड, आपने जोन से ईयर से मतलब कि बोर्ड से पास कर रखी है टेंथ, आपको यहाँ पे वही फिलअप करना है ये, ठीक। तो अभी कर रहा हूँ मैं। फ्रेंड, नीचे आप देखिए वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, आपको जो उनसे बोर्ड आपने ऊपर सेलेक्ट किया वही नीचे करना है अभी, ठीक है। तो मैंने कर दिया दोस्तों। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं रोल नंबर आगे नेक्स्ट ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको अपने 10th क्लास का रोल नंबर फिलअप करना है। रोल नंबर फिलअप करने के बाद दोस्तों, आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों वेरीफाई रोल नंबर, आपको यहाँ पे दोबारा से रोल नंबर फिलअप करना है अपना। इतना करने के बाद आप देख रहे हैं ईयर ऑफ पासिंग, अपने जोन से ईयर से मतलब कि कौन से ईयर में 10th पास की थी, आपको ईयर फिर करना है वो, ठीक है। आप नीचे देख रहे हैं वेरीफाई ईयर, आपने जोन सी ईयर से 10th पास की थी, आपको दोबारा से फिलअप करना है वही ईयर वही साल, ठीक है। आप फिर नीचे आ जाइए। अब जेंडर, फ्रेंड्स अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक कर दें, अगर आप फीमेल है फीमेल पे क्लिक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वेरीफाई कर लेते हैं इसके लिए भी। फिर इतना करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं ऑप्शन को लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, अगर आपने बीए कर रखी है, आप ग्रेजुएशन है, तो आप ग्रेजुएशन पे क्लिक कर दें। अगर आपने प्लस टू कर रखी है, प्लस टू पे क्लिक कर दें। अगर आपने ओनली 10th पास करके आप 10th पे क्लिक करें, ठीक है दोस्तों। तो मैं प्लस टू पे क्लिक कर देता हूँ अभी यहाँ पे। फिर हम देखें मोबाइल नंबर दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, आपके पास जो अभी हाल ही में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप फ्रेंड्स नीचे देखिए ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। फिर ईमेल आईडी भरने के बाद दोस्तों, नीचे देख रहे हैं स्टेट, आप जहाँ पे भी रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी स्टेट फिलअप करनी है, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं सेव पे, आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, आपके आप सामने दोस्तों कन्फर्म का मैसेज मतलब ऑप्शन आ चुका है, ठीक है।
तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, एंड आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए अभी, और ईमेल आईडी आपके पास हाल ही में ओपन होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ अभी। तो मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्टिकल एंड इट शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 7 डेज। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, अब जो ये आपका फॉर्म है, आप 7 दिन से पहले पहले अपने फॉर्म को पूरा कर सकते हैं, आपके पास 7 दिन का टाइम होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप क्लोज कर देता हूँ दोस्तों। फ्रेंड्स क्लोज करने के बाद आपको दोस्तों अपनी एसएससी साइट पे आ जाना है, ठीक है। तो मैं आपकी साइट पे जा रहा हूँ अभी, एसएससी साइट पे। फ्रेंड्स आपके सामने ईमेल आईडी पे मैसेज आ गया होगा दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड फ्रेंड्स आप देखिए, आपको दिखा रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका जो ईमेल रजिस्ट्रेशन आईडी है एंड पासवर्ड आपके सामने दोनों यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, एंड आपका पासवर्ड एंड ईमेल आईडी दोस्तों, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे बोलते हैं, आपका यहाँ पे दोनों आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे आगे आ जाना है, आपको दिखा रहा हूँ डिटेल्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप सेकंड पेज पे पहुँच चुके हैं, आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको ये फिलअप करने हैं सब कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। एससी फिलअप कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे, एंड नीचे भी आपको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार इसको, एससी को। एंड नेशनलिटी में आपको, आप जिससे नेशनलिटी से आपको वही फिलअप करना है, तो मैं सिटीजन ऑफ इंडिया कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ मार्क, फ्रेंड आपके शरीर पे कोई भी निशान हो यहाँ पे आपको वो फिलअप करना है। फ्रेंड्स इतना फिलअप करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे, आर यू पर्सनलिटी डिसबिलिटी, अगर आप फ्रेंड्स हैंडीकैप में कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे यस करते हैं, तो नो रहने दें, ठीक है। एंड फ्रेंड्स नीचे आ जाइए यहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है इनमें, ठीक है। आपने ऊपर देख लीजिए दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड नीचे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे दोबारा से सेव पे क्लिक कर देना है दोस्तों। सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दिया, आप देख रहे हैं एडिशनल डिटेल्स आर सेव्ड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपकी डिटेल्स सेव हो चुकी हैं। फ्रेंड्स आप नीचे आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आप फ्रेंड्स आपका ये थर्ड पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है, मैं यहाँ पे फिलअप करके दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों अभी। फ्रेंड यहाँ पे नीचे आप देखिए स्टेट, आपको आप जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं आपको वही स्टेट फिलअप करनी है यहाँ पे। तो मैंने स्टेट कर दिया दोस्तों फिलअप यहाँ पे, ठीक है। आप नीचे देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, आपको जो डिस्ट्रिक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट फिलअप करनी है यहाँ पे, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ अभी। डिस्ट्रिक्ट मैंने फिलअप कर दिया दोस्तों यहाँ पे। नीचे आप देखिए पिन कोड, आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है अपने एरिए का। तो इतना डालने के बाद आप जिसे देख रहे हैं परमानेंट एड्रेस सेम इज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपका जो ऊपर वाला एड्रेस अगर आपके नीचे वाले एड्रेस के सेम है, मतलब आपका कोई और इससे अलावा एड्रेस नहीं है, तो आप यस पे क्लिक कर दे, जरा आप नो पे क्लिक कर रहने दें। आपका जो दूसरा एड्रेस है यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। तो मेरा ये दोनों एक ही सेम एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब आपको अपने सेव पे क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर सेव्ड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए अब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 4 पेज खुल चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स अगर आपके पास आधार कार्ड के लिए आपने अगर यस कर रखा, तो यहाँ पे आपको ये थम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आप यहाँ पे नो कर रखा है वहाँ पे आगे, तो यहाँ पे आपको अपना थम देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करके दिखा दे दोस्तों, मैंने अपना फोटो अपलोड कर दिया है। अभी मैं अपने सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों नीचे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अपने फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे सेव्ड कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप फिलअप कर दिए हैं दोनों, एंड आप नीचे आ जाइए अब। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आई एग्री, आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको और कुछ भी नहीं करना, एंड आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है ये दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको फाइनल पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड फाइनल पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने दोस्तों मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपका मैसेज आ गया होगा। एंड फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको फिलअप कर लेता हूँ अभी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर का ओटीपी भर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों नीचे आपको जो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आया होगा, आपको यहाँ पे वो फिलअप करना। तो मैं अपना ओटीपी देख रहा हूँ दोस्तों अभी, मैं तो मेरी ईमेल आईडी पे आया होगा। दोस्तों मेरा ओटीपी है 1296, ठीक है। तो दोस्तों मैं अपना ओटीपी भर रहा हूँ अभी।
दोस्तों अपना ओटीपी पर डालने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं यू हैव ए सक्सेसफुल कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना एंड फ्रेंड्स फॉर लॉग इन ईमेल आई डी। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दे फ्रेंड्स। ऐसा करके आप फ्रेंड्स यहाँ पे जब लॉग इन करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी अपना एप्लीकेशन का जो प्रिंट आप निकाल पाएंगे दोस्तों, ठीक है। एंड फ्रेंड्स पूरा प्रोसेस ऐसे ही था दोस्तों, ठीक है। ऐसा करके आप अपना फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की जितनी जो होती है सभी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।